दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग भाई थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी का पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग भाई थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी का पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्द ही मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक
और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेसमैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम, चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेसमैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम, चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना और वीर अपने
पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग भाई थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद
वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर
गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा गंगा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जीआर गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार,
परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार ने दुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार नौकरशाही विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार परेश रावल राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म में से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का। इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार ने दुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने
पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग भाई थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद
वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा
कोंगारा और अर्जता दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदन मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और अर्जता दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार,
परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उनकी उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार नौकरशाही विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार परेश रावल राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने
पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद
वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता है हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर
गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा गंगरा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जीआर गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें कि होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्द ही मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में
वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने 2 साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा, और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म में से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है, जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें, तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में, और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने
पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए
का जुनून, अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे। रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे। रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर
गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा गंगा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जीआर गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा दिखी जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्द ही मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में
वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती, हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा, और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म में से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है, जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें, तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में, और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती, हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके
परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर और वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता है हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर और वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी।
यही सब मूवी में देखने मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिजनी पर, सॉरी डिजनी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया हमने 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी का पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सालिनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिजनी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिजनी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया हमने 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी का पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सालिनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो
कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा, और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है, जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप ही जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इस मूवी की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से
डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उनकी उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा, और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है, जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में, और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद
वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा
कोंगारा और अर्जता दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदन मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इसमें अर्जता दी थी सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदन मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉप जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार,
परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उनकी उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार नौकरशाही विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार परेश रावल राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की माँ के रूप में आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने
पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे वह हिचकिचाता है। वह देखता है जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए
का जुनून, अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे। रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे। रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा दिखी जरूर, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर
गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा गंगा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जीआर गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रीमेक है, जो खुद जीआर गोपीनाथ के संस्थापक सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में
वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती, हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने 2 साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रह रही है। यही सब मूवी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग मिली IMDb 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है, तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा, और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने, और संवाद किया था पूजा तोलानी ने, और कहानी दी थी GR गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद GR गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म में से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है, जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें, तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्रे के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में, और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान, और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में, और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में कृष्ण कुमार, बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में इरावती, हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था। बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें की होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके
परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर और वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। ये सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिज्नी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों, यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्द ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी को पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों, यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है, जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट, अबुत इंडिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है, तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिज्नी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है, जिसे हिचकिचाता है हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं, लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर और वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उघमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है, जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी।
यही सब मूवी में देखने मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिजनी पर, सॉरी डिजनी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया हमने 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की। दोस्तों यदि आपको ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी ही एक अक्षय कुमार की बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफिरा, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा मूवी थी। तो आज की वीडियो में इस मूवी का रिव्यू करने वाले, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सरफिरा इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे सुधा कोंगारा और इस मूवी का पटकथा दी थी सुधा कोंगारा और सलनी उषा देवी ने और संवाद किया था पूजा तोलानी ने और कहानी दी थी जी आर गोपीनाथ ने। दोस्तों यह 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा टाइप की मूवी है जिसका निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसका निर्माण 2D एंटरटेनमेंट अवध इंडिया एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया है। इस मूवी में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, परेश रावल, राधिका मदान मुख्य भूमिका में देखने मिलते हैं। यह कोंगारा की तमिल फिल्म सोरारई पोटारू जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसी का रिमेक है, जो खुद जी आर गोपीनाथ के संसाधन सिंपल फ्लाई ए डेक्लन ओडिसी का रूपांतर थी। फिल्म ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है जिसे कई दुश्मन रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फ्लाइटों पर इनका असर पड़ेगा। इस मूवी का बजट था लगभग 80 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस सिर्फ 30 करोड़ ही कमाए। जैसा कि जल्दी मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की ज्यादातर फ्लॉपी जा रही है तो उसी में भी एक और ये शामिल हो गई है। कास्टिंग की बात करें तो पायलट से बिजनेस मैन बने वीर जगन्नाथ महात्र के रूप में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल परेश गोस्वामी के रूप में और वीर की पत्नी रानी महात्रे के रूप में राधिका मदान और सीमा विश्वास वीर की मां के रूप में, आर शरद कुमार नेदुमारन वायुसेना में वीर के कमांडर ऑफिसर के रूप में और सौरभ गोयल सैम वीर का वायुसेना मित्र के रूप में, वायुसेना में वीर के मित्र चैतन्य राव के रूप में, कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम चित्र के रूप में, इरावती हर्ष माया देवी देव और अनिल चरणजीत मंदार के रूप में, प्रकाश बिलावड़ी प्रकाश बाबू के रूप में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में फिल्म को 1 सितंबर 2023 को रिलीज करना किया जाना था, बाद में 16 फरवरी 2024 के लिए रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, फिर इसे अंततः 12 जुलाई 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। और बात करें इसमें होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर 11 अक्टूबर 2024 से डिजनी पर हॉटस्टार पर किया जाना शुरू हो गया था। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, और वीर अपने पिता एक हिंसक शिक्षक के साथ टकराव करता है जिसे हिचकिचाता हुआ देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप दूरदर्शी हैं लेकिन सक्रियता मराम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना हो जाता है लेकिन जल्द ही अपने दो साथी प्रशिक्षुओं के साथ अपने उगमी सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है। वह विमान क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है लेकिन अंततः उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है और खोज में लगा रहता है जिसे वह मजाकिया तौर पर उड़ाता हुआ उड़पी होटल कहता है। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है जो उसकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में शुरुआत में ही चतुराई से यह स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और किसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद भी वीर के लिए वह भी सिंगल रहेगी। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नहीं देखा देखिए जरूर। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी डिजनी पर हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ। रेटिंग लिया 10/7.2 की और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 5/3.5 की।